दोस्तों आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत मोरपंखी स्नैक और इसको हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वे में पालक के साथ। आप सोच रहे होंगे हमने इसे कैसे बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इसके सारे ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह से एकदम क्रिस्पी बनेगा, किस तरह से हम इसमें ये सब डिज़ाइन बनाएंगे। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। मैदे में मैं मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च के पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून कलौंजी, 2 टेबलस्पून देसी घी जिसको हमने मेल्ट कर लिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा ऐसा बंध रहा है तो इसका मतलब मोइन हमारा अच्छे से लग चुका है। तो यहाँ मेरे पास है पालक की प्यूरी, हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, सारी एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे उसको हम ऐड करेंगे। थोड़ी प्यूरी में और डाल लूंगी। आटा हमारा लग गया है, इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। तो मैंने 1 कप मैदा में 1/2 कप प्यूरी ली थी, उसमें से थोड़ी सी बच गई है। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा इसको मुलायम कर लेंगे। ये देखिए आटा एकदम मुलायम हो गया है, तो इसमें से हम छोटा सा एक ऐसे लेकर आटा ऐसे बॉल बना लेंगे। Thank you.
अब इसको हम यहाँ ऊपर से थोड़ा सा पतला कर लेंगे इस तरह से। अंदर की साइड मैंने फोल्ड किया है और हाथ में लेते हुए इसके मैंने सेंटर से दो हिस्से कर लिए हैं। इसको हम यहाँ बीच से निकाल के ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है thank you.